सलाम आदाब, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। लव एंड पीस टू ऑल। वी लॉग नंबर 009 और आज वैसे काफ़ी हिस्टोरिक डे है क्योंकि हम पहली दफ़ा आउटडोर आए हैं अपने वी लॉग के साथ। सो वेल, वी आर इन अ कार, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली आउटडोर बट आउटडोर इन अ कार। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और आए उनसे कुछ गपशप करते हैं। फर्स्ट इंटरव्यू ऑन दिस वी लॉग सीरीज। एक आपको हिंट देता हूँ, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी सितारा, गेस करें कौन, और वेरी फाइन एक्ट्रेस, एंड हियर शी इज एज आई रिवील हर। जी अच्छा, ओके, अच्छा हाँ, सितारा तो वो दूसरी थी। हाँ, और वैसे हाँ देख ले, ये सानिया सईद है, मैं ये वंडर वुमन नहीं है, इन्होंने मास्क पहना, वैसे तो ये वंडर वुमन है, ठीक है। सो वी गोना इंटरव्यू। सो सानिया, आप इस ड्राइव के लिए तैयार हैं? ड्राइव ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है, ओके। हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं, यही तो जिंदगी का मजा है कि कुछ पता ना हो कि क्या करने वाले हैं। लेट्स डिस्कवर, लेट्स कीप इट अ सीक्रेट एंड लेट्स डिस्कवर एंड एक्सप्लोर आवरसेल्व्स। आपको दो काम करने होंगे, ये बहुत DIY किस्म का शो है, आपको ये माइक भी पकड़ना होगा, ठीक है, ओके, और कैमरा भी पकड़ना होगा व्हाइल आई ड्राइव एंड आई आस्क यू क्वेश्चन, सो आई पास इट ऑन टू यू। ऑलराइट, आई हैव द मोस्ट अनस्टेडी हैंड बाय द वे। अच्छा, या सवाल, पहला सवाल आपसे पूछते हैं कि आपको अदाकारा बनने का ख्याल कैसे आया? सीरियसली? ये चुके हर दुनिया के हर इंटरव्यू में ये सवाल ये जरूर पूछ रहा था कि आपको बचपन से शौक था कि नहीं, तो ये लाजमी है कि हम भी आपसे ये पूछे। आई कांट बिलीव इट, यू कांट आस्क मी दिस, यू कांट आस्क मी दिस, ओके, ऑलराइट, ओके। आप यू डोंट हैव टू आंसर इट, यू कैन से पास, ओके, आई डोंट वांट टू, अ पास, आपकी गाड़ी में मुझे अभी तो डर लग रहा है। अच्छा? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा आप फोकस करके करें। जो नजरें हैं तो सड़क के ऊपर है, मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पे हैं और मेरा हाथ, मेरे पैर जो हैं वो एक्सीलेटर और ब्रेक के दरमियान है। जी जी, अच्छा लग रहा है मुझे, इस्लामाबाद एक्चुअली काफी अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है? बिकॉज ऑफ द ग्रीनरी एंड आई थिंक वो जो एक खुलापन है ना इस्लामाबाद का, जो कराची में नहीं मिलता हमें, क्योंकि इतनी बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ कॉन्क्रीट है, सब कुछ ब्राउन है, तो मुझे तो यहाँ बस यही अच्छा लगता रहता है कि यू नो एवरीथिंग इज ग्रीन एंड everything is green, how green is my valley, how green is my valley, yeah. Okay, here we go, hum is interview ka ab formally aagaaz karte hain, pehle to zara informal tha aur इनफॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी मिक्स होती रहेगी। मैं यही कह रही हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि ये इनफॉर्मल था और वो फॉर्मल है और ये अच्छा, ओके, अच्छा, तो मुझे आप ये बताएं कि एक सीरियस सवाल है वैसे तो, स्टार्ट ऑफ विद, कि आपको क्या लगता है कि हमारी जैसी सोसाइटी में एक आर्टिस्ट का क्या रोल है, क्या ये आर्ट का क्या रोल है, आर्ट से क्या हम जहाँ पे हमारे बड़े बुनियादी मसले मसाइल हैं जिंदगी के, यू नो, तो आर्ट उसका कोई फायदा भी है कि नहीं अपार्ट फ्रॉम एस्केपिज्म? हाँ, ये एक मुझे इस बात पे इतराज़ है कि हम अपने बहुत बेसिक बुनियादी प्रॉब्लम्स में से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कैसे निकाल सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, एस्थेटिक डेवलपमेंट का तो बहुत ही बुनियादी हिस्सा आर्ट है, हर तरह कई आर्ट फॉर्म, तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं? तो मुझे तो लगता है कि एक बुनियादी ज़रूरत है किसी भी माशरे या कल्चर की,
और जहाँ जहाँ आर्ट को नहीं संजीदगी से लिया जाता या जहाँ उसे कंडेम किया जाता है या नहीं है उसके लिए मवाक़े, तो वहाँ क्या आप हालात देख सकते हैं? वहाँ वायलेंस ज़्यादा है, वहाँ यू नो और तरह के प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। ऑल्सो थैंक यू, मेरा हाथ इतना शदीद दुख रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं बिल्कुल जवाब भूल गई हूँ क्योंकि मेरा बाजू दुखना शुरू नहीं, बट द थिंग इज कि हाँ, एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि हम उसमें से वो निकाल कैसे सकते हैं बुनियादी ज़रूरियात में से। दूसरी बात ये कि आप उसकी अहमियत का या उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले कतगन लगती है आर्ट फॉर्म्स पे, लिखने लिखाने पे, गुफ्तगू पे, डांस पे, म्यूज़िक पे, शायरी पे, लिटरेचर पे, सबसे पहले, क्योंकि वो कह रहा है जो या तो आवाम की आवाज़ है या वक्त की आवाज़ है या ज़रूरत है या वो आपको मोबिलाइज कर रहा है या आपको अवेयर कर रहा है या आपको जोड़ रहा है या आपको वो बता रहा है जहाँ आप खुद नहीं पहुँच सकते वक्त में या डिस्टेंस में, वो आपको वो बता रहा है जो शायद आप खुद जाके देख नहीं सकते, यू नो। तो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है आर्ट। तो इसलिए हमारे जैसे क्या किसी भी कल्चर सोसाइटी में किसी भी मुल्क में एक बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसमें कोई हमारा मुल्क या उनका मुल्क या वो वाला कल्चर या वो वाला कल्चर नहीं है। एवरी सिंगल कल्चर एंड नो कल्चर, देर इज़ नो कल्चर विदाउट आर्ट, यू नो। तो मुझे तो ये सवाल ही बुनियादी तौर पे ये अक्सर कहा जाता है कि जी हमारे यहाँ तो इतने बुनियादी किस्म के प्रॉब्लम्स आए तो ये आर्ट का और इसका एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इसका क्या मतलब है? बुनियादी मसला है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू नो, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ क्रिएटिविटी या क्रिएटिविटी पे कतगन या क्रिएटिविटी पे पाबंदी, फ्री वॉइसेस पे पाबंदी इज अ बुनियादी प्रॉब्लम। और ये हमारी आई गेस एक्सप्रेशन, हमारी एजुकेशन और हमारी एवोल्यूशन और हमारे माशरे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली, कहीं भी हमारे नहीं, कहीं भी किसी भी माशरे के लिए एब्सोल्युटली, क्योंकि घुटन का एहसास जो है वो कम होता है जब आप एक्सप्रेस कर पाते हैं चीज़ों को, आई गेस, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी दफ़ा आपके माशरे के अंदर डीप डाउन क्या चीज़ें पल रही हैं, क्या बीमारियां, क्या नासूर, वो नज़र ही सिर्फ आपके आर्ट फॉर्म्स में आ सकता है या वो निकल कर ही आपके आर्ट फॉर्म्स में आता है। तो वाओ, लुक एट दैट ग्रीनरी, आई लव दैट ग्रीनरी। या तो और फिर ये भी कि आर्ट आपके जहन को तैयार करता है किसी भी तरह की तब्दीली के लिए, आपके नए तरीके से सोचने को, इट मेक्स इट ईजियर, द डिस्कम्फर्ट इज लेस, क्योंकि एक नई बात सोचना, अपने कम्फर्ट जोन से निकलना, उस बात को, उसी बात को जिसको आपके आबा और अजदाद एक तरह देखते थे, उसे एक बिल्कुल नए अंदाज में देखने में बहुत तकलीफ़ होती है। इट्स नॉट ईजी, ये कहना बहुत आसान है, इट्स नॉट ईजी। तो वो उसको ज़रा आसान बनाता है, नॉन थ्रेटनिंग बनाता है। मगर जो चीज़ आपके लिए नॉन थ्रेटनिंग, जो आपके लिए नॉन थ्रेटनिंग बनाता है, वो बहुत सारे लोगों के लिए थ्रेटनिंग भी हो सकती है, क्योंकि वो सिस्टम जो राइज है वो उनके फेवर में होता है। और नई तरह से सोचना और कंफर्टेबली सोचना तो उनके पावर स्ट्रक्चर को खतरे में डालने वाली बात है। ओके, नाउ वी आर एंटरिंग दिस पार्क। यहाँ से इतनी चिड़ियाओं की खुशबू आ रही है, खुशबू नहीं होती, चिड़ियों की आवाज़ होती है और दरख्तों की खुशबू होती है और बारिश हो रही हुई है तो अच्छी।
ओके सो कितने सीरियल कर लिए अब तक? गॉड नोस, मैंने नहीं कभी गिने नहीं है कभी. तो मतलब अब हाउ डू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, यू नो, इतने सारे सीरियल्स करने के बाद? हाउ डू आई कीप मायसेल्फ मोटिवेटेड, बड़ा अच्छा सवाल पूछा. मुझे हर वक्त एक अलग बहाना चाहिए होता है. मैं कुछ हर बार एक कोई अलग चीज़ ढूंढती हूँ किसी कहानी में. यूजुअली इट्स द स्टोरीज. अगर कहानियाँ नहीं मिलती मुझे, जो कि नहीं मिल रही हैं आजकल बिल्कुल भी, तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल होता है. मैं बहुत जबर करके करना पड़ता है मुझे काम. फिर मैं देखती हूँ कि मुझे साथी अच्छे मिल जाएँ काम करने वाले, डायरेक्टर ऐसा मिल जाए जो उस कैरेक्टर में मेरे साथ कुछ काम कर ले, मेहनत कर ले, मैं कुछ थोड़ा सा उसको डिफरेंट बना लूँ. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, यू नो, दैट यू आर जस्ट डूइंग ऑन योर ओन. तो मोटिवेशन तो यही होती है कि जो पिछली दफ़ा किया है उसको रिपीट ना करना पड़े, कुछ मीनिंगफुल हो. बस वो, बट इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, इट्स गेटिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट. सो हमारे ड्रामे में क्या वाकई यकसानियत हो गई है, या एक किस्म की कहानियाँ जैसे कि अक्सर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आजकल? हाँ, यकसानियत तो होगी ही ना. आप हफ्ते के 5 ड्रामे लिख रहे थे और कर रहे थे, और अब आपको दिन के 7-8 ड्रामे लिखने और करने हैं, तो कैसे हो सकता है? फिर कितने मौजूदात पे बात करने की इजाज़त है आपको? क्या हम अपने राइटर्स को वक्त देते हैं? क्या हम अपने डायरेक्टर्स को वक्त देते हैं कि वो उसको सही से प्रिपेयर कर सकें, वो उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को देख सकें? हम राइटर को कितना फैसिलिटेट करते हैं? क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास कि अच्छा वो ये किसी एक पर्टिकुलर मौजू पे लिखना चाहता है, तो कितनी विलिंगनेस चैनल दिखाता है कि हाँ आप. फिर कुछ कमर्शलिज्म का हाथ इन द सेंस है कि क्या चीज़ इस वक्त कुछ सामान को बेचने में मदद करेगी, वो सामान कौन ख़रीद रहा है, उनको क्या चीज़ पसंद आती है, वो क्या देखना चाहते हैं. ये ज़रूरी नहीं कि जो वो देखना चाहते हैं वो अच्छी चीज़ भी हो, ये ज़रूरी नहीं है ना. तो लेकिन चूंकि वो वही चीज़ देखे जा रहे हैं और वो उसी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वो उसको उसी तरह उससे वो नहीं निकलना चाहते, तो हम भी उनको वही दिखाए जा रहे हैं. हालांकि एज आर्टिस्ट्स, एज क्रिएटिव पीपल, दैट्स नॉट आवर जॉब. हमारा जॉब है कि हम उनको कम्फर्ट जोन से निकालें, उनको उनके कंफर्ट जोन में रखना हमारा काम नहीं है. लेकिन जब उसके अंदर एक कमर्शियल एस्पेक्ट आ जाता है तो सर, एन आर्ट इज सपोज्ड टू चैलेंज यू. हां, या दैट इज व्हाट इट इज फॉर. इट्स नॉट टू आपको लोरी सुनाने के लिए तो नहीं है आर्ट. एट दिस नोट, थैंक यू वेरी मच सानिया. हम सानिया के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे और थैंक यू फॉर बींग पार्ट ऑफ आवर वीलॉग. आज की गुफ्तगू यहीं तक, एंड डू कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड गिव अस योर व्यूज, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू. आपके कॉमेंट्स का और आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सानिया. थैंक यू वेरी मच आपने वीलॉग जो स्टार्ट किया, यू थॉट आई वॉज वर्दी ऑफ in being included in it. Thank you so much. Thank you. आपने हमारे vlog को वर्दी बना दिया. ठीक है. Okay. If you like to say anything to your fans and followers. Oh, thank you so much for all the love and affection and tolerance that you have shown to us as artists and to the work that we have done. Thank you very much. व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया सानिया जी से. हमने और भी बहुत सी बातें करनी थी लेकिन मौका नहीं मिला, वक्त खत्म हो गया, लाइट चली गई और फिर सानिया जी भी चली गई, और बहुत सी बातें जो रह गई हैं वो फिर हम किसी एपिसोड में उनके साथ करने की कोशिश करेंगे. आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आप और भी इंटरव्यूज देखना चाहेंगे कि नहीं. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. अपना ख्याल रखिएगा. Take care. God bless you. Khuda hafiz. Khuda hai paman. And zabardast.